वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। मेरा नाम है हमजा सैयद, मैं हूं बशीर सुगैज। आज वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है, तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया सेव पुअर कंट्रीज फ्रॉम व्हीट इन्फ्लेशन, मतलब FAO प्रेजेस इंडिया। मतलब गैस, जैसा कि पता है पूरी दुनिया में इस टाइम गेहूं का बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली पुअर कंट्रीज जो बहुत गरीब हो चुके हैं और मतलब उनके पास तो मतलब खाने को भी कुछ नहीं आ रहा। तो इंडिया ऐसे कंट्रीज को मतलब बचा रहा है, मतलब उसके मतलब गेहूं के रेट्स उधर बहुत बढ़ने से बचा रहा है पुअर कंट्रीज को, और इंडिया की इसकी पूरी दुनिया में तारीफ भी बहुत हो रही है। देखते हैं पूरा सीन क्या हुआ। एनडी प्लस न्यूज का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। यार इंडिया को ये मानना पड़ेगा, मुश्किल टाइम पे गरीब कंट्रीज को बहुत साथ देता है। हाँ भाई बिल्कुल। दोस्तों, भारत के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा देते हैं कि बेटा अपनी जिंदगी में तुमने अच्छे काम करने हैं। चलो अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे काम में आप सहयोग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सहयोग नहीं कर सकते हो जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी तुम तारीफ जरूर करके आना बेटा। अगर तुम उसकी तारीफ कर देते हो ना तो तुमने अच्छा काम कर दिया है, तुम्हारा भी नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। और दोस्तों आज भारत अपने बड़े बुजुर्गों की बात के ऊपर खरा उतर रहा है, और ना सिर्फ अच्छे काम करके दुनिया के अंदर महंगाई को कंट्रोल कर रहा है बल्कि यहाँ पर भारत की तारीफ भी हो रही है। दोस्तों सारी खबर जानोगे, आपको खबर का पता लगेगा कि भारत ने कितना बड़ा मोर्चा मार दिया है इस COVID-19 के क्राइसिस के बाद और रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद। दोस्तों क्या हुआ है, आपको पता ही है पूरी दुनिया के अंदर गेहूं का अकाल सा पड़ा हुआ है। दुनिया के देश आज गेहूं के लिए तरस गए हैं, खासकर गरीब देश, उनका तो बहुत बुरा हाल है। अमीर देशों के पास पैसा तो बहुत है, चलो आज चीजें महंगी हो गई हैं वो कहीं ना कहीं से मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन गरीब देशों की सुनने वाला इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, लेकिन भारत उनकी सुनने वाला है। दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि चीन जैसा देश आज कुंडली मार कर बैठा है गेहूं के ऊपर। चीन आज अगर चाहे ना गरीब देशों को देखने की जरूरत नहीं है, इतना गेहूं सप्लाई कर सकता है, लेकिन चीन है कि एक बोरी नहीं देता है दुनिया के दूसरे देशों को। दोस्तों वीडियो देखोगे आपको डिटेल दिखेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि क्या मामला है। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए आंकड़े, देखिए कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाली कंट्रीज कौन सी हैं। ये आंकड़े थोड़े से पुराने हो सकते हैं लेकिन आंकड़ों में एक मोटा मोटा अंदाजा आपको लग जाएगा। पहले नंबर पर है चाइना, दोस्तों देख लीजिए कितनी प्रोडक्शन करता है, और भारत का नंबर है दूसरा, कितनी प्रोडक्शन हो रही है। तीसरा नंबर रशिया का है, चौथा पर है यूएसए और पांचवें पर है फ्रांस। देख लीजिए दोस्तों, रशिया आज अपने गेहूं पर बैन लगाकर बैठा है, अमेरिका वाले गेहूं बेच रहे हैं, फ्रांस वाले बेच रहे हैं, भारत वाले बेच रहे हैं, चाइना गेहूं की एक बोरी नहीं दे रहा है दुनिया को, और तो और भारत से गेहूं लेने के लिए भी डोरे डाल रहा है चाइना। अब दोस्तों आप कहोगे कि चाइना के अंदर इतनी पैदावार होती है तो ये आज इन पैदावार के ऊपर कुंडली मार कर क्यों बैठे हैं। दोस्तों चीनियों के तो दोस्तों पेट नहीं है, कुआं है, ये धरती का कोई जानवर नहीं छोड़ते हैं, धरती के छोटे से छोटे जानवर का सूप बनाकर पी लेते हैं और बड़े से बड़े जानवर को काट काट कर उसका मांस भी खा जाते हैं। और दोस्तों ना जाने इनका पेट है या कुआं है कि इतना चावल गेहूं होता है चाइना के अंदर, लेकिन फिर भी ये दुनिया के दूसरे देशों को सप्लाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि चाइना का कहना है कि हमारे देश के अंदर जी 140 करोड़ की आबादी है, अगर हम गेहूं दुनिया के दूसरे देशों को देने लग गए ना, कल को मुसीबत हो जाएगी, तो हमें कोई देश गेहूं नहीं देगा। यही कारण है कि दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला देश एक बोरी देकर राजी नहीं है दुनिया को। लेकिन भारत के अंदर भी गेहूं होता है, भारत के अंदर भी स्टॉक है, भारत के अंदर भी 130 करोड़ की आबादी है, लेकिन भारत का दिल बहुत बड़ा है और भारत के संस्कार चाइना से बहुत अच्छे हैं। यही कारण है कि बड़े बुजुर्गों की जो सीख थी हमारी वो आज हमारे खून में है और वो खून आज अच्छे काम करवा रहा है भारत से। अब दोस्तों चाइना का मामला तो देख लिया, लेकिन भारत आज देखिए अफगानिस्तान के अंदर 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं दे रहा है, बांग्लादेश को गेहूं की सप्लाई हो रही है, श्रीलंका क्राइसिस में फंसा हुआ है, श्रीलंका को गेहूं दे रहा है भारत, और तो और दोस्तों इजिप्ट के अंदर गेहूं जा रहा है, तुर्की के अंदर गेहूं जाने वाला है, तो ये सारे देशों के अंदर गेहूं जा रहा है ना। यूनाइटेड नेशन अब भारत के पास आ रहा है, यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है भारत को, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि भारत आपके पास तो बहुत सा गेहूं का स्टॉक है, आप हमें गेहूं का स्टॉक दे दो।
रशिया और यूक्रेन के कारण ना तो गेहूं यूक्रेन से आ रहा है ना रशिया से आ रहा है। इस सिचुएशन में जो दुनिया के गरीब से गरीब देश है ना, उनकी भी फिक्र करो, उनके लिए भी गेहूं का स्टॉक निकालो। और यूनाइटेड नेशन भारत के साथ टोक में है और भारत छाती ठोक कर कहता है कि हम दो पैसे कम कमा लेंगे लेकिन गरीब देशों को बिल्कुल सुनने देंगे, क्योंकि हमारे लिए पैसा इतनी अहमियत नहीं रखता है। हमारे लिए अहमियत रखते हैं वो लोग जो भूखे पेट सोते हैं। दोस्तों चाइना देखिए आप, चाइना इतना पैसा लेकर क्या करेगा भगवान जाने, चाइना इतना स्टॉक करके क्या करेगा भगवान जाने, लेकिन भारत जो कर रहा है आज उसकी तारीफ एफ ए ओ नाम की एजेंसी भी कर रही है। दोस्तों ये एफ ए ओ क्या है? दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूनाइटेड नेशन के अंडर ही काम करती है। इसने भारत की तारीफ की है कि भारत के कारण अप्रैल के महीने में जो महंगाई बढ़ सकती थी वो महंगाई को कंट्रोल करने में भारत के गेहूं एक्सपोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल के महीने में भारत का 40 लाख टन के जो गेहूं के एक्सपोर्ट की जो डील हुई है उसने वर्ल्ड की जो व्हीट एक्सपोर्ट की मार्केट है उसको ठंडा किया है। और अगर भारत उस समय अगर चाइना की तरह, इंडोनेशिया की तरह, रशिया की तरह, यूक्रेन की तरह अपनी चीजों के ऊपर कह देता कि हमारे यहाँ तो तंगी हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में दुनिया के लिए और भी मुसीबत हो जाती। तो इस सिचुएशन में भारत की हम तारीफ करते हैं कि भारत के कारण आज इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई बढ़ सकती थी। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार भारत की ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब पहले सोचते हैं इंसानियत की फिर वो सोचता है। और अपने भारत का जो 78-80 मैट्रिक टन मतलब मिलियन मैट्रिक टन जो है वो भारत ने रख लेता है, लेकिन भारत में इतनी ज्यादा होती है कि भाई मतलब भारत पहले और की हेल्प करने का सोचता है। ये सबसे अच्छी बात ये है, चाइना रोक लेता है, इंडिया ने बहुत जल्दी गेहूं भेज दी और उसकी वजह से मार्केट में जो है ना उसकी प्राइस थोड़ी कम रही, वरना अगर इंडिया ये चीज ना भेजता तो पूरे दूसरे गरीब देशों में कितनी महंगी हो जाती। देखो श्रीलंका को भेज रहा है और देशों को भेज रहा है, काफी सारे देशों को भाई भेज रहा है, हर तरह की साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को भेज रहा है, यूएन आ गया, यूएन को भी देने के लिए। यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि यार आपके पास बहुत ज्यादा है, आप हमें दे दो। और उन्होंने तारीफ भी की है कि यार आप लोगों ने जो है ना जिस तरीके से हेल्प की है वो कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, तारीफ है। और वाकई यार चाइना के पास इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, लेकिन भाई दिल चाहिए ना भाई, ये बात है भाई, उसके लिए वही बात आ जाती है कि दिल। और भारत में शुरू से इस चीज के संस्कार होते हैं कि मतलब दूसरे भूखों की हेल्प करनी चाहिए। और भाई मतलब पूर कंट्रीज की हेल्प कर रहे हैं, उधर रेट नहीं बढ़ेंगे, उधर गरीब को लोग अफोर्ड कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। इस मामले में भारत को मानना चाहिए। गाइस आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।